बिसम रहीम सो वी आर डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक एसेट क्लास की बात करते हैं एसेट क्लास का मतलब होता है कि हम किस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं बिफोर वी जम्प इन टू इट हम पहले क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को हम दो ग्रुप्स में डाल देते हैं एक है ट्रेडिशनल जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं एंड ट्रेडिशनल इंक्लूड्स वॉट स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स यानी कि इक्विटी एंड फिक्स इनकम इसमें ट्रेयरी वगैरह भी गवर्नमेंट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं दिस इज रेफर टू एज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स फिर इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा लॉट है दैट इज नॉर्मली रेफर टू एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव एक थोड़ा सा आज हमने इसमें बात थोड़ी थोड़ी कई जगह पर की हुई है बट यहाँ पे आज हम इसको एज क्लास डिस्कस करेंगे कि व्हाट एन इन्वेस्टमेंट न्यू एरिया चीजें इसमें बहुत ज़्यादा नई नहीं, नहीं आएंगी लेकिन पॉइंट बेनिफिट दैट्स वी गोइंग टू सी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो के हैं बॉन्ड्स और स्टॉक बोथ इन टाइप्स ऑफ एसिट्स एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन द एसिड क्लास एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट वहीकल्स इन विच द एसिट्स आर हेल्ड एक तो उनकी क्लास भी फर्क है और वो किस फॉर्म में हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं इसका तरीका है थोड़ा सा ऑल्टरनेट है दैट्स वाई इट्स रेफर टू एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्लास अब जरा अपने माइंड में एक पहले मैप तो बनाएं कि बॉन्ड और स्टॉक्स को निकाल दें और जो कैश पोजीशन होते हैं फिक्स इनकम वगैरह वो निकाल दें तो पीछे इन्वेस्टमेंट होती कौन कौन सी है जरा अपने माइंड में एक मैप करें एंड देन सी टू इट के जो हम आगे बात करें वो आप लोगों ने कितनी अपने पॉइंट्स में लिखी थी बल्कि आई सजेस्ट कि किसी एक पेपर पर लिखें कि आपके ख्याल से और कौन कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है एंड देन मूव टू नेक्स्ट एरिया मैनेजर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यूज डेरिटिव लेवरेज एंड शॉर्ट सिक्योरिटीज मतलब ये मार्जिनस पे भी बहुत काम करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को शॉर्ट भी बड़ा करते हैं यानी कि शॉर्ट सेलिंग भी इनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है और डेरिवेटिव्स का यूज भी अल्टरनेटिव मैनेजर जो हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं जो कि ट्रेडिशनल वाले इतना नहीं करते करते हैं कम करते हैं या कुछ करते हैं यहाँ पे उसकी नीड या यूटिलाइजेशन ज्यादा है मैनी टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जी ये पहला पॉइंट आ गया रियल इस्टेट की रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी हम मेनली कैटेगराइज ऑल्टरनेट में करते हैं किसी के लिए हो सकता है वो प्राइमरी बिजनेस भी हो लेकिन एज अ ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट रियल इस्टेट इज कंसिडर्ड टू बी एज ऑल्टरनेटिव तो ये बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन इट्स नॉट बॉन्ड इट्स नॉट स्टॉक्स टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स अब बात करें ये अब इसको आपने अपनी लिस्ट से कंपेयर करना है वॉट यू टॉक अबाउट डीज इंक्लूड हेज फंड्स प्राइवेट इक्विटी फंड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट के बहुत तरीके होंगे एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप लैंड भी खरीद सकते हैं बिल्डिंग भी अपार्टमेंट देन देर आर रीट्स रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो करते हैं एंड सम ई टी एफ एक्सचेंज रेड फंडस हैं जो इनमें इन्वेस्ट होंगे वो ये ऑल्टरनेटिव की कैटेगरी में है फीसट्रक्चर फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ट्रेडिशनल वहाँ पर फी स्ट्रक्चर्स थोड़े लो होते हैं मार्ज का जो कि वो जो आप मार्जिन लेते हैं या ब्रोकरेज की फ़ीस होती है यहाँ पर ज़रा फ़ी स्ट्रक्चर थोड़े डिफर करेंगे एंड मैनेजमेंट फीस भी थोड़ी सी हायर साइड पर होती हैं बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक पिक्यूलियर नेचर वर्क तो यहाँ पर फिर फीसेज और जो कॉस्ट है वो हायर साइड पर जैसे आप इसकी वैसे टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इवन हायर है जैसे सोचें आपने एक प्लॉट लेना है तो प्लॉट के साथ आपको बहुत ज़्यादा फर्दर उसकी प्राइस के अलावा बड़ी ड्यूटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन और पे करना पड़ेगा जो कि बाकी जगह इतना नहीं होता और प्लस इसमें एक और चीज़ आती है इंसेंटिव बेस्ड फी का भी मोड बहुत ज़्यादा है कि वंस यू अचीव अ सर्टन टारगेट देन यू ऑल्सो गिवन अ गुड लेवल ऑफ इंसेंटिवस जो कि वहाँ पे होते हैं या कम होते हैं यहाँ पे ये चीज़ ज्यादा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एज अ ग्रुप हैव हार्ड हैड रिलेटिवली लो रिटर्न को रिलेशन विद ट्रडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्टरनेटिव की को रिलेशन ट्रडिशनल से कम है अगर ये भी बहुत ज़्यादा होती तो फिर तो वो फायदा ही नहीं ना था हमने कहा था कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट तब आता है जब को कम हो तो ये हमें वो बेनिफिट दे जाता है कि कोरिलेशन कम होती है तो वील गेट द एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड लोअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न व्हेन वी ऐड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इन आर पोर्टफोलियो कंपेयर टू ट्रेडिशनल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टिपिकली एक्स सेवरल फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ये हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिससे ये ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल वालों से फ़र्क है अब आपके माइंड में ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव का फर्क क्लियर होना चाहिए अब ये उसके फीचर्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिव में हैं जो कि इसको थोड़ा उससे डिफर करते हैं लेस लिक्विडिटी ऑफ एसिड्स हेल्थ कि इसमें जो एसिड्स होते हैं वो इतने लिक्विड नहीं होते नॉट ईजीली सेलेबल इसकी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपके पास दस हज़ार शेयर पड़े हैं निषार्त मिल्स के आप फोन करें एक मिनट में बिक जाएंगे लेकिन अगर आपके पास चार प्लॉट पड़े हैं या कुछ फाइल्स पड़ी हैं तो वो एक मिनट में नहीं बिकेंगे मे बी इट कुड टेक डेज मे बी इट कुड टेक इवन मंथ्स तो दे आर इव मोर इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा होता है वहां पे ये थोड़ा कम होता है रिलेटिवली लो कोरिलेशन विद रिटर्न टू ये हमने पहले बात की है लेकिन करेक्ट्रिस्टिक्स जब हम बात करें तो ये पूरे उसमें आता है कि इसकी को रिलेशन फैक्टर कम है विच इज़ वेरी गुड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर हाई फीस जो फीस हैं वो ज़्यादा हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन रिडेम्पशन ये भी एक बड़ा पॉइंट है क्या आप कहीं कहते हैं मैंने हेज फंड में इन्वेस्ट करना है और हेज फंड ने कहा जी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक तो हम कहेंगे इतने से कम पैसे लेंगे नहीं और दूसरा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो तीन साल से पहले आप पैसे निकाल भी नहीं सकते बिकॉज वी आर गोइंग टू बी इन लॉन्ग मार्केट या हम वेंचर कैपिटल्स में जा रहे हैं तो वो आपको लॉकअप पीरियड है शेयर आज खरीदा कल बेच दिया तो इट्स कुड हैव लॉकअप पीरियड या रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिडम्पन रेलिटिवली मोर कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो जब पोर्टफोलियो बनेगा वो ज़्यादा बहुत इसमें स्प्लिट नहीं होगा ऑल्टरनेट के अंदर जो होगा वो मेनली कुछ एसिट्स में ही इन्वेस्टमेंट्स पा गए क्योंकि अमाउंट्स भी ज़्यादा होती हैं तो फिर वो कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है इसमें ये देखी गई चीज़ है लेस रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी नॉर्मली ये हेज फंड्स ये इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं होती है तो ये इतनी क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं इसमें आ रही होती बहुत ज़्यादा रूल्स इनके नहीं बने हुए थोड़ा फ्री हैंड इनके पास ज़्यादा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंपनीज एंड बॉन्ड्स मोर प्रॉब्लमेटिक एंड लेस अवेलेबल हिस्टोरिकल रिटर्न एंड वॉलटिलिटी डाटा इसका बहुत ज़्यादा ईजी स्ट्रक्चर डाटा नहीं होता स्टॉक मार्केट में तो आपको सारा डाटा रेडीली अवेलेबल है हिस्टोरिकली किस का भी किसी साल का भी देख लें इनकी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली डेट इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल नहीं होती डिफरेंट लीगल इशूज़ एंड टैक्स ट्रीटमेंट किसी जगह पर टैक्स ट्रीटमेंट फ़र्क है कहीं टैक्स ट्रीटमेंट फ़र्क है लीगल रूल्स हैं वो जैसे पनामा में और है और जो टैक्स हेवनस हैं वहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं सो दे हैव डिफरेंट रिजीम्स एंड डिफरेंट लोकेशन वाइज लॉज जो उसको गवर्न करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सम समर्नेटिव कैटेगरीज इज़ प्राइमरी डिटर्मिंड बाई मैनेजमेंट एक्सपर्टीज जो ओवरऑल रिटर्न है वो मैनेजमेंट पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है रादर देन जस्ट द क्लास वहाँ पर हमने देखा था नाइन्टी फाइव परसेंट तो क्लास पर डिपेंड कर रहा होता है तो so यहाँ पर मैनेजमेंट की जो है एक्सपर्टीज जो मैनेजर है उस पर ज़्यादा है रिस्क इज नॉट जस्ट होल्डिंग एन एसिड क्लास बट ऑल्सो द मैनेजमेंट अंडर परफॉर्मेंस क्योंकि मैनेजर अच्छा नहीं है उसने अंडर परफॉर्म किया तो यू कैन बी इन बैड शेप तो वो दोनों चीजों को आपने ज्यादा वॉच करने की जरूरत होती है इन ऑल्टरनेट मैनी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आर इलिक्विड ने पहले बात की रिटर्न शुड रिफ्लेक्ट अ प्रीमियम अब जब इलिक्विड आप चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फिर उसका प्रीमियम मिलना चाहिए इल लिक्विडिटी को जो आपने अडॉप्ट किया है, तो यू शुड गेट द रिटर्न इन प्रीमियम फॉर दैट रिटर्न शुड रिफ्लेक्ट दीमियम फॉर लैक ऑफ लिक्विडिटी टू कंपनसेट इन्वेस्टमेंट फॉर द लिक्विडिटी रिस्क ये रिस्क ही है ना कि मैं बेचना चाहूँ तो ईजिली बेच नहीं सकता तो इसलिए फिर मैं कहूँगा मुझे रिटर्न थोड़ा ज्यादा दो और या मुझे लॉकअप पीरियड आप दे रहे हो अच्छा ठीक है तो फिर मुझे अगर आप लॉकअप पीरियड दे रहे हो तो फिर मुझे रिटर्न तो बाकीयों से ज़्यादा दो ना अगर वहाँ लॉकअप नहीं है तो ये हायर रिटर्न एंड हायर रिस्क कैटेगरी में भी आ जाता है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इल लिक्विडिटी पार्ट बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में इट्स अ गुड जेस्चर बिकॉज इट इनक्रीज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट विच वी ड्राइव वैन वी एड ऑल्टरनेट थैंक यू